गुड इवनिंग गाइस। सो आप देख लो हमारे साथ है ब्रांड न्यू पल्सर N1 CC में ड्यूक 390 वाले जो आते हैं, एज वेल एज नए वाले, वही नया अपडेट इसके साथ में आया भाई। ये आया है अपसाइड डाउन, ये देख लो, ये बहुत स्टेबल है भाई, ये पूरा कैटलेटिक कन्वर्टर यहाँ पर, वाओ फिफ्थ गियर, वे मोर बेहतर है ये रोड पे चलने में। ब्रेक टेस्ट में करने वाला हूँ इसका 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस तरीके से 2 माउंटिंग इधर एंड 1 माउंटिंग इधर, तो इस तरीके से इंजन को लटकाया जाता है, इसे सुपर बाइक में लटका होता है। बहुत सही मशीन है, गुड इवनिंग गाइस। सो आप देख लो हमारे साथ है ब्रांड न्यू पल्सर N1 CC, दिस इज़ दी प्योर थ्रिलिंग पल्सर, और सबसे की हाईलाइट ये देखो ये यार। एंड अगर इसका मैं आप लोगों को कीस, इसमें ड्यूक 390 वाले जो आते हैं एज वेल एज नए वाले, वही ये आ गया आपका हाई बीम, ये आ गई पास लाइट, ये क्लच बहुत ही लाइट एंड सुपर क्लच, और जो नया अपडेट इसके साथ में आया भाई ये आया है अपसाइड डाउन, चंकी फोक काफ़ी मोटा है। एंड ये जो इंजन आता है भाई एयर कूल के साथ आता है, प्योर एयर कूल इंजन है, ABS ड्यूअल चैनल आता है इसके साथ में। टायर्स इसका जो है 100 सेक्शन 80 का है, रियर वाला आपका 130 सेक्शन है, सीट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, वाइडर हैं। और अब चलते हैं भाई यहाँ से, थोड़ा बहुत इसे चलाते हैं अच्छे से। अच्छा रिफाइनमेंट लेवल जो यार बजाज अब काम कर रहा है ना, वो 20 की स्पीड से चल रहा हूँ एंड मैं फोर्थ गियर भी लगाऊंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ व्हील कुछ ना कुछ न्यू दिख गया फोर्थ गियर में यार, सच अ वेरी नाइस 25 km/h की स्पीड पर मस्त गाड़ी चल रही है। उसके बाद में भी जो बोलते हैं ना टॉर्क, मतलब अर्लियर स्पीड के साथ आपको टॉर्क या बजाज काम करता है, पहले क्या होता था आपको 6000 के ऊपर RPM में आपको टॉर्क मिलता था, बट आपको इनिशियली अब टॉर्क मिलने लगता है 3000 के ऊपर RPM, जैसे ही आप जाओगे आपको टॉर्क महसूस होने लगेगा अच्छा खासा। तो ये है बात, करेक्टर अगर मैं इसका बताऊँ गाड़ी का तो क्या निकल करके आता है किस गाड़ी से, तो सीधे भाई रिलायबल कह सकते हो मशीन इसको, और जो कंपिटिटर इसकी अपनी MT50 यामा की, जी हाँ हो सकती है, बट हम किसी कंपनी का भी ऐसे यहाँ पे कंपैरिजन करने नहीं आए हैं, सीधे सीधे आप लोगों को एक रिव्यू देने के लिए आया हूँ मैं बजाज के साथ में कि क्या क्या नया है। अब जो है फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी हो गई है बजाज की, ऑलवेज बोलता हूँ डे बाई डे इम्प्रूव योर सेल्फ, ये खुद से अपनी चीज़ों को आप रेक्टिफाई कर रहे हैं बहुत सारी चीज़, जैसे कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के नाम पर आप देख लो कि भाई बहुत कुछ भर भर के इन्होंने दिया है, बहुत कुछ भर भर के, तो किसी भी चीज़ की भाई अब तो भैया किसी भी बात की कमी लगती नहीं है बजाज के साथ में। एंड अगर इसका टॉर्क देखो ना, टॉर्क अरेंजमेंट काफ़ी बढ़िया भाई, बहुत सुंदर, साउंड लाइक क्रेजी यार, यस ब्रेक्स भी काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहे हैं, जो ABS का किक इन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि ब्रेक्स टाइम से नहीं लग रहे हैं, डिले हो रहे हैं। तो अभी एयर ब्रेक को भी ज़रा थोड़ा टेस्ट करते हैं, जी हाँ बिल्कुल बढ़िया एक नंबर। अब आते हैं इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर के भाई, थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ सा रोड है, मतलब देखने में आपको अच्छा लगा पर बाउंसिंग है, तो मैंने हैंडल छोड़ दिया, ये देख लो आप बिल्कुल आप लोगों के सामने है, तो बिल्कुल भाई ना इधर ना उधर, बैलेंसिंग एक नंबर, ये आपके सामने ये देख लो, फ्लिकिंग और मैनूवरिंग भाई एक नंबर, आप कैसे भी निकालो इस गाड़ी को कुछ मतलब आपको दिक्कत आने वाली ही नहीं है इसके साथ में। और हमारे लिए भाई भाई शूट करते हुए सामने से, और भाई सच में फन टू यूज़ मशीन है यार सच में, अगर आप लोग इस गाड़ी को लेना चाहते हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आगरा में खेमका बजाज है वहाँ से लीजिए आप, हमारे चैनल के थ्रू आएंगे आप लोगों को अच्छे से डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। और गाड़ी कैसी है आप लोग अगर मुझसे पूछो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो भाई आप इसे टूरिंग भी कर सकते हो, सब कुछ अच्छे से कर सकते हो, नेविगेशन है इसमें ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, नेविगेशन वगैरह सारा कुछ, मतलब आप जो जितने भी ये कॉन्सोल हैं अपने बजाज में इंक्लूडिंग ऑल बाइक्स सभी के अंदर यही वाला आने वाला है, थोड़े से फेरबदल होने वाले हैं, जो अपनी NS 400 आ रही है उसमें यहाँ पर थोड़ा सा कलर स्क्रीन दिया है, थोड़ा पूरा नहीं है, बट देखते हैं भाई क्या क्या आता है, उसका भी रिव्यू आपको जल्द मिलेगा, कमेंट कर देना। गाड़ी का जो आपको सबसे पहली चीज़ जब चलाते हो ना क्या महसूस होता है, एक कम्यूटर पोजिशन है, और सारा कुछ आपके मतलब हैंडल है बहुत ज़्यादा झुका हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा अपराइट नहीं है, मतलब स्पोर्टी करके साथ आता है। और अपने यार जब भी ब्लॉग की हम शुरुआत करते तो आपने देखा सनसेट हो ही जाता है, एज यूजुअल सनसेट हो गया है,
बाकी गाड़ी तो भाई साहब थोड़ा सा भगाते हैं इसको साइड में लाकर। रिफाइनमेंट का मैं इसका दीवाना हूँ भाई साहब, नो जर्किंग, नो हेजिटेशन, नो हार्शनेस। मतलब अब इंजन क्या ही इंजन बनाया है भाई बजाज ने, एक नंबर क्वालिटी का इंजन बनाया है, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास में कहने के लिए। और जो नट एंड बोल्ट्स की भी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई है, पहले आपके मेटेलिक कलर में आते थे, अभी ये थोड़ा सा पॉलिशिंग आने लगे जिससे कि आपका जो कलर थीम है उसको बिल्कुल रिजेंबल करते हैं, रस्टिंग से बचाते हैं। स्विच की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बैकलिट स्विच आते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो इसको एक टेक्सचर देते हैं, या बटन से या मोड बटन से सारा कि सारा टॉगल करके आप जो मीटर के जो भी फंक्शन हैं आप इससे ले सकते हो। लो फ्यूल की यहाँ पर वार्निंग दे रखी है, अगर फ्यूल अप होगा तो वो भी। एंड इंजन किल स्विच ये दे रखा है। फोन बहुत अच्छी क्वालिटी का होने, मज़ा आ रहा है भाई। ओवरऑल अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं भाई रिफाइनमेंट के अंदर में बजाज की किसी भी अदर पल्सर से, इट्स लाइक जो पुराने वाले थे तो उनसे तो सो फार बेहतर है भाई, फार बेहतर, बहुत अच्छा। और विजिबिलिटी अगर मैं बात करूं जो इसके RBM से रियर व्यू मिरर्स काफ़ी अच्छे हैं, 30% कट ऑफ है, 70% आपको डिग्री में पीछे का सब दिखने वाला है, आप देख लो सामने से। GoPro जितना दिखा पा रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ भी भाई बहुत कुछ सही किया है कंपनी ने, डे बाई डे इम्प्रूव के साथ में बहुत कुछ अच्छा कर दिया यार। स्पेशली इस भाई को थैंक यू बोलूँगा भाई, देखो कैसे कैसे शूटिंग, मैं बोलता हूँ ना जितने भी मेरे ब्लॉग्स होते हैं सबसे पहले कि ऑनेस्टली होते हैं, कुछ भी बनावटी नहीं होता है उनके अंदर में, जो मैं फील करता हूँ रियल लाइफ में वही बताता हूँ। देखो रिव्यू करने वाले क्या करते हैं गाइस, मोस्ट ऑफ टाइम शोरूम पे जाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, प्राइसिंग बताते हैं आपको, ROI बताते हैं, देन चले जाते हैं भाई, चला करके बहुत कम लोग बताने वाले हैं। इसका परफॉर्मेंस टेस्ट भी करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसके साउंड्स के ऊपर भी बात करेंगे, एंड इंजन के अंदर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। जी हाँ, हर बार कंपनी कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट्स के साथ में चेंजेस कर रही है डे बाई डे, बहुत अच्छी लगता है ये। और ये अपना आ गया हाई बीम और ये आ गया लो बीम। जब भी आप लो बीम पे होते हैं यहाँ कोई ब्लिंकर नहीं होता, जैसे हाई बीम में जाते हैं तो यहाँ आपको हाई बीम का शो करता है। एंड ये अगर मोड बटन की बात करें तो यहाँ दे दिए मोड बटन के साथ, ये पल्सर का कुछ दे रखा है। एंड यहाँ पर आगे जाएंगे तो ये सारा कुछ नीचे नेविगेशन चेंज हो रहा है, ट्रिप ए आ गया, अभी आपका ट्रिप बी आ गया, 3.4 किलोमीटर अपन चल गए हैं, ऑटो रेटिंग आ गया 4 किलोमीटर का टोटल, और ये आ गया भाई सब फिर से रेंज वगैरह। तो भैया अभी जो माइलेज ये दे रही है 46 KMPL का माइलेज दे रही है, आप लोग देख लो तो 160 के हिसाब से बहुत सुपर माइलेज है। और अभी मैक्सिमम में माइलेज इसका निकाल करके आपको दिखाने वाला हूँ, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील आने वाला है इस गाड़ी के साथ में। और थोड़ा सा इसको खींचते हैं, मतलब मेरा 5th गियर लगा हुआ है, इसी पे मैंने इसको एक्सीलरेशन किया, और देखते हैं क्या टॉर्क एनालाइज करा है इसका कंपनी ने। वाह भाई वाह, मज़ेदार भाई साहब। ये देखना है मुझे बॉबल तो नहीं हो रही 100 पे, जबकि थोड़ी सी लाइट वेटेड गाड़ियाँ होती है तो उनके साथ ये सीन होता है, और ये बिल्कुल भी बॉबल नहीं हो रही है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। ये देख लो ये बहुत स्टेबल है भाई, मतलब 120 190 तक कुछ भी इसमें नहीं हो रही है। देखो इसी स्पीड पे मैंने हैंडल भी छोड़ रखा है आपके सामने है, कोई बॉबलिंग नहीं है, कोई लेफ्ट राइट भागने वाला सीन नहीं है, कुछ भी नहीं भाई, सुपर बजाज की तरफ से भाई। आने वाले प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा, और स्पेशली मैं टेस्ट करता हूँ ऐसे इन्वायरमेंट में भाई जो आप लोग रियल लाइफ में कर ही नहीं सकते कोई भी, क्योंकि ये रोड्स हैं ना भाई बहुत ज़्यादा टफेस्ट रोड होते हैं, कुछ भी हो सकता है अगर जरा सी गलती हो गई तो। इस वजह से भाई अपन तो आप लोगों को प्योर दिखाते हैं जो भी हो सकता है। अगर बात की जाए इस गाड़ी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देखो अगर आपका बजट है, आपका बजट है पल्सर 125 लेने का, तो यार थोड़ा बजट बढ़ा के ये गाड़ी आप ले सकते हो, क्योंकि इससे आप टूरिंग भी कर सकते हो, आप इससे कम्यूटिंग भी कर सकते हो, सिटी कर सकते हो, डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है यार इसका, कुछ 1000 रुपीज़ के आसपास तो ओनली सर्विस कॉस्ट आता है यार इसका, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। देखो पल्सर, अब मैं बोल रहा हूँ ना ये पल्सर पल्सर नहीं रहा है यार, देखो सबसे बड़ी चीज़। और हाई स्पीड में भी इसका माइलेज आप सुनोगे ना भाई दिमाग ख़राब हो जाएगा, 42 KMPL अभी भी आ रहा है, ये देख लो। अब इसमें बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि गाइस इतना नहीं होता उतना नहीं होता, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो टैंक फुल करके, टैंक टू टैंक हम आपको करके दिखा देंगे, वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। बाकी गाड़ी तो भाई चलाने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, ओवरऑल अगर इसका मैं फील लूँ ना भाई, मेरा मन कर रहा है वेदर इतना अच्छा है लेके इसे दिल्ली निकल जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी अगर आप बैठे होते हो गाड़ी पर तो क्या आपको डीप नोट आएगा आपके एयर में, साउंड वाह वाह वाह, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी। अभी हमारे साथ दो बंदे और थे वो स्कूटर से यार पीछे रह गए, क्योंकि यार शूटिंग में बहुत कुछ जाता है भाई, बहुत टाइम जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ जो आपका
दो से ढाई घंटे में ब्लॉग शूट होता है ना, उसको 10 मिनट में देखते हो भाई, वो 10 मिनट में नहीं बनता, उसमें बहुत टाइम जाता है लंबा। इसलिए आपसे बोलता हूँ भाई, स्किप मत ही करो, जो भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हो ब्लॉग पूरा देखो, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में कभी कभी बीच में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन और प्रोटिप दे देता हूँ जो आपके काम के होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसी ब्लॉग में बोल दूँगा आपको, जितने भी आपको कंपनी के परफॉर्मेंस टेस्ट वाले इंजन ऑयल्स चाहिए तो सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वैसे अभी करंट में मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी D400 में कैस्ट्रॉल का पावर वन अल्टीमेट, सुपर इंजन ऑयल है गाइस, जाकर के एक बार चेक करना। बट अपनी गाड़ी के हिसाब से मैं दोनों ही गाड़ी के लिए जो ग्रेड आते हैं आपके बजाज के लिए, सारे ग्रेड मैं वहाँ पे लगा रहा हूँ, लिख भी दूंगा अभी। उसके साथ में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं भाई, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा इसका लीन वगैरह टेस्ट करते हैं, बाकी आप लोगों को सारा कुछ दिखाते हैं, मज़ा आने वाला है कुल मिला को। आहा, साउंड लाइक क्रेजी यार। हाँ भाई, ये तो N250 से भी ज़्यादा अच्छे से पास हो रही है लीन में यार। सच में फन भाई के, ऑसम भाई ऑसम। चलो जी, अपना जो है यहाँ पर हम लोग पूरा शूट करते हैं। रीज़न भाई यहाँ बताऊँ क्यों मैं यहाँ शूट करता हूँ, ये देखो भाई, इस पर आप सेटलिंग भी मस्त वाली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं। और व्यू कैसा आ रहा है आप लोग देख के बता देना भैया। यहाँ पर लूँगा एक थंबनेल और थोड़ी से करूँगा इसके सिनेमेटिक शूट, एंड गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे अपने GoPro के साथ में। वही साहब, सबसे पहले देख लो कि सनसेट हो गया है ऑलमोस्ट। ये है अपनी बाइक, सबसे पहले टर्न फिनिश एंड फील, ये चीज़। अगर यहाँ बात करें तो जो अपनी N250 थी उससे बात करें तो भाई ये थोड़े ब्राइट ज़्यादा थे उसके, ये प्रोजेक्टर है इसका सामने कुछ। टायर्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, 180 सेक्शन आता है, पीछे आता है आपका 130/70 RS 200 वाला, काफ़ी सही टायर है यार ये, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ ना, हाँ 130/70, तो गुड टायर है। एंड इसका ये है आपका पूरा अंडर वैली सिस्टम, और ये आता है वॉक सेक्शन स्विंग आर्म के साथ में। रियर के डिस्क के साइज़ बात करें तो सब में सेम है, इक्वल है भाई। उसके अंदर में पेटल पैटर्न था, इसके अंदर में आपका पूरा राउंडेड डिस्क है जो कि आपका नॉर्मल होता है, बट उसका हीट डिसिपेशन थोड़ा सा अच्छा होता है इनका, थोड़ा सा मतलब कंपनी अपना लगा रही है अच्छा। ये ABS का रिंग, 230mm का डिस्क ब्रेक सेटअप है, क्रेमिका के ब्रेक सेट के साथ में आता है। एंड फ्रंट में भी आपको जो कैलीपर है 12 पिस्टन का मिलता है, फ्लोटिंग कैलीपर क्रेमिका के साथ में। जो डिस्क साइज है 300 है, बट लग नहीं रहा था, पर ठीक है होगा 300। एंड ये हॉर्न है अच्छा। एग्जॉस्ट के ऊपर क्या है कि मड गार्ड से मिट्टी आके पानी ना जाए, तो इसके लिए कंपनी ने सील लगाया है, ये पूरा कैटलेटिक कन्वर्टर यहाँ पर। एंड इंजन की हम लोग साउंड की बात करें, वाओ दैट्स नाइस यार। और अगर मैं यहाँ पे भी आपको डीपली सुनाऊं, एक्स शेप में आती है, यूजुअली सभी में सेम कर दी है, इंडिकेटर्स चेंज हो गए हैं, बल्ब वाले उठा के वही सभी में KTM वाले डोमिनार वाले यूज़ कर रहे हैं LED इंडिकेटर्स। और टेल टाइडी फिटेड आती है, कुछ नहीं भाई, प्रोटिप बारिश ना हो इसको और सारी गार्ड को आप उठा लो भाई, लुक्स लाइक कूल मैन। 5th स्पीड गियर्स के साथ में आती है गाड़ी, यहाँ गियर्स का दे रखा है यहाँ पे 1 एंड न्यूट्रल एंड 2 3 एंड 4 5, ठीक है। कुछ कलर कोडिंग्स बहुत अच्छी हैं, इनके ग्राफिक्स कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं प्रीवियस वाले वर्जन से, ये ग्राफिक्स यहाँ पर आ चुके हैं। गाड़ी सुपर है। और सीट की अगर मैं बात करूँ भाई, पिलियन के लिए इतना बड़ा सीट देना बहुत बड़ी बात थी, ग्रेबरियल काफ़ी यूजल है। एंड जो राइडर के लिए सीटें बाकी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और अच्छी है, बट अगर कुशनिंग की बात करें तो N250 की डेफिनेटली इम्प्रूव थी। E20 कंप्लाइन इंजन आता है, 10% आप इसके अंदर में इथेनॉल डाल सकते हो। स्विचेस की सारी बात करें, ये आपका किल स्विच आ गया नॉर्मली, ये आपका लाइट के लिए आ गया, आप सामने से लाइट को इसकी ऑफ कर सकते हो। और अगर हॉर्न की बात करूं तो ये इसका हॉर्न सेटअप है, ये आपका सेल्फ बटन आ गया। और ये जो चीज़ है भाई, ये बहुत सही चीज़ है, ये देखो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपने दबाया पास लाइट, ये आपका हाई बीम एंड आपका नॉर्मली लो बीम, ठीक है। ये कुछ इसका लाइट सेटअप है, ये चंकी 37mm के आपके अपसाइड डाउन फोर्क आ रहे लगे हैं, रिफ्लेक्टर्स के साथ आते हैं। ये पहले टेक्नोलॉजी आपकी इंटरनेशनल कंट्रीज़ में यूज़ होती थी, बिकॉज साइड से जैसे आप सीधे जा रहे हो कोई अचानक से गली या किसी साइड वाले रोड से आते हैं तो इस पर रिफ्लेक्शन आ जाता है, अच्छा लगता है। ये भी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, मैंने देखा था इनका ABS का डुअल चैनल वाला। अभी इन्होंने कितना अच्छा करा, इसके साथ में भी स्पेसर्स डाल दिए यार, तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, मडगार्ड टूटे ना इतनी जल्दी ABS प्लास्टिक का। इसके लिए यहाँ पे होलो एक्सेल नट का यूज़ किया गया है जिससे कि वेट को रिड्यूस करा जा सके, नॉर्मल नट नहीं है ये, बड़े बड़े बाइक्स में आते हैं। तो देखो
अगर बात करें पॉइंट ऑफ व्यू की मेरे, तो भाई यहाँ पर जो चीज़ यूज़ की है टॉप ऑफ द लाइन करी गई है, सारा कुछ प्रोडक्शन के ऊपर, कहीं पर भी कोई आपको एक्स्ट्रा गैप्स नहीं मिलने वाले हैं, चाहे पैनल गैप्स ले लो चाहे कुछ भी, सुपर है भाई सारा कुछ। तो मेरा भाई यही कहना है, आँख बंद करके ले लो, अपने पास से पास है। अब करते हैं इसका टॉप स्पीड टेस्ट एंड कुछ आपको देते हैं सिनेमेटिक्स जो कि अभी सनसेट से पहले ज़रूरी है। और ये देखो गाइस सनसेट कम्प्लीटली हो गया है और अपनी बाइक स्टार्ट खड़ी है। चलो इसका आप निकालते हैं टॉप स्पीड टेस्ट एंड ऑल गियर चैलेंज। जी हाँ, तो होप कि फिंगर क्रॉस सब सही हो। जय श्री राम, जय हनुमान। लोग कमेंट में लिख देना किस सिटी से देख रहे हो, ये ज़रूर लिख देना। गर्मियाँ आ गई ना यार, प्यास लग रही है काफ़ी। तो सबसे पहले तो अपन लोग इनर रिंग रोड से कनेक्ट होते हैं। ये देखो इसका हाई बीम सामने देखो भाई, तो ये सारी चीज़ भाई बड़ा ही देखभाल करके हमें करनी पड़ती है। जो भी हैं टॉप स्पीड टेस्ट हुआ, चाहे परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ, इट्स लाइक माइलेज टेस्ट हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत देखने वाली होती हैं। अगर आपकी जरा सी गलती है आपकी जान ले सकती है, तो इसलिए भाई मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ये सब करो, क्योंकि भाई आपके भाई ने काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस लिया है तब जा करके ये सारी चीज़ मैं करता हूँ। अभी सबसे पहले अपन लोग इसका जो है ऑल गियर चैलेंज लेंगे, उसके बाद में इसकी टॉप स्पीड भी उसी के साथ में आई जाएगी आप लोगों के सामने। तो नाइट होने से पहले यार अपने जो भी मोस्टली ब्लॉग्स होते हैं वो नाइट में क्यों होते हैं, देखो मुझे इसकी हेडलाइट की इंटेंसिटी चेक करनी होती है। तो चलो जी थोड़ा सा लॉन्च देखते हैं एंड फर्स्ट गियर में कितना जाती है। अरे वाह 38, सेकंड गियर 64 एंड थर्ड गियर जाएगा इसका 86। अब आते हैं फोर्थ गियर पर, एक सौ सात की स्पीड यानी 107। अब आया इसका फिफ्थ गियर, तो फिफ्थ गियर देखा जाए भाई क्या स्पीड दे पाएगा। फिफ्थ गियर 122, 123, 124। ओहो आगे कार चल रही है। तो गाइस ये पकड़ लो 125 की इसकी टॉप स्पीड होने वाली थी एंड उससे भी आगे जाने वाली थी भाई साहब। और ये काफ़ी स्टेबल है अगर मैं इसे कंपेयर करूं भाई साहब अपनी एंडू 50 से, उससे भाई वे मोर बेहतर है ये रोड पे चलने में। और जो ये रोड है टारमैक का अभी बनाया गया है, तो इसके कंकड़ी वंकड़ी मेरे को लग रही हैं। एंड ब्रेक टेस्ट मैं करने वाला हूँ इसका 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, होप कि सक्सेसफुल हो पाए भाई। अभी ये कार भी चल रही है तो थोड़ा सा जगह अपने को निकालनी पड़ेगी भाई। 100 100 100 दोनों ब्रेक में आज दबाने वाला हूँ, 100 लेते हैं। यस सुपर 100 तो नहीं था बट 86 85 पे था, तो काफ़ी अच्छा था यार। और एक बारी इसके आपको 360 व्यू दे देता हूँ भाई कैमरे के साथ में, आप लोगों को अच्छा फील होएगा। तो ये देखो ये है अपनी बजाज की पल्सर जो कि आप लोग देख रहे हो ब्लॉगर आकाश चतुर्वेदी के ब्लॉग में। अभी नाइट हो गई है, टाइम जो हो रहा है गाइस 7 बज गए हैं यार, कितनी ज़्यादा सुंदर कितनी ज़्यादा औसम है। और आप में से कौन कौन इस बाइक को बाय करना चाहता है गाइस बता देना मेरे कमेंट करके। और हाँ अगर आप आगरा से लेना चाहते हो खेमका बजाज आगरा से, तो ऑब्वियसली इस पर कोई डिस्काउंटेड नहीं आता, बट आप अपने भाई के थ्रू आते हो और चैनल दिखाते हो सब्सक्राइब, सो गाइस आपको स्पेशली एक गिफ्ट मिलने वाला है एंड डिस्काउंट भी मिलने वाला है, वो मैं अभी जनरेट करा दूंगा और इसी ब्लॉग में आप लोगों को बता दूंगा कि आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट ROI मिल सकता है, कम से कम डाउन पेमेंट पर आप अपनी बाइक को लेके जा सकते हो, बस अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना एंड सर्विस कॉस्ट में भी आपको बेनिफिट करा देंगे, ठीक है गाइस। बाकी गाड़ी आप लोगों ने देख ली, बढ़िया है लुक्स के मामले में, हर चीज़ के मामले में, चाहे उसकी टॉप स्पीड, चाहे उसकी स्टेबिलिटी, चाहे उसका परफॉर्मेंस, चाहे उसके लुक्स। और ये आ गई भाई साहब पुलिस आगरा की जो कि सबके सब जा रहे हैं, लुक यार किलर लग रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ना यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली ये जो होलो एक्सल डाला यार इस बाइक में, मैंने नहीं सोचा था कि बजाज दे पाएगा बट दे दिया यार, बढ़िया चीज़ है, काफ़ी अच्छी लग रही है। अब बाकी का ये है कि शोरूम की बारी आ गई है, अब इसकी बात करते हैं कितना इसका ऑन रोड प्राइस आता है, क्या इसकी एक शोरूम में क्या DP रहेगी, डाउन पेमेंट आपकी, सारा कुछ मैंने बता दिया, इंजन साउंड सुना दिया, परफॉर्मेंस दिखा दिया, गियर चैलेंज दिखा दिया, मैन स्टैंड इस गाड़ी के साथ आता है तो चैन लूप वगैरह करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, वो भी एक प्लस पॉइंट में आता है। इंजन काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी तेज़ दौड़ाया, हीट है यानी नो गाइस ऐसा जितना कोई इंजन भी हीट नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि ऐसे पकड़ना बहुत बड़ी बात है इंजन को जो मैं पकड़ के बैठा हुआ हूँ गाइस, कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया, इतनी हीटिंग नहीं है। तो इंजन बिल्कुल न्यूली डिज़ाइन है, प्योर एयर कूल्ड है, काफ़ी अच्छा है। ब्रेक के अंदर में इन्होंने चेंजेस किए हैं तो काफ़ी अच्छा है, ये रिजर्व वायर लगाए ब्रेक का काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी तो गाड़ी अच्छी है। चलो अब शोरूम पर चलते हैं। तो गाइस रियर ब्रेक हम लोग चेक करेंगे 80 to 90 की स्पीड में, आपको बता दूंगा जो भी है।
बाकी गाइस सच बताना, आप जितने ब्लॉग्स और लोगों के देखते हो, कोई भी आपको इतने अच्छे से आपको कोई भी नहीं दिखाता होगा भाई, जो चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ। अभी इसका हाई बीम भी देखो, काफ़ी सुपर है, और चलते चलते नाइट हो जाएगी तो और भी चेक करा दूंगा मैं आप लोगों को। बाकी यार गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, और अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है कौन सी आपको बेस्ट लगने वाली है, तो गाइस 80 पे मेरे को अच्छा फील हो रहा है, और अगर मैं 86, 87, 90 पे आया हूँ तो हाँ सा ये क्लच लीवर है, इस पर हल्का सा वजिंग है, अब ये ख़त्म हो गया, तो आप इसको आराम से यार 7000 RPM की रेंज में, 96-100 की रेंज में आप ऑल डे क्रूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको किसी भी प्रकार की। गाइस बहुत सही मशीन है, और 100 की स्पीड में भी आप हैंडल छोड़ सकते हो, देखो कोई बॉबलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बढ़िया है भाई, तो कहीं कोई चीज़ है ही नहीं दिक्कत वाली। बाकी हाई बीम सुपर है, ये देखो सामने ये पूरा की पूरा बोर्ड लगा हुआ है, तो इस पर देखो रिफ्लेक्शन देखो कितना सही आ रहा है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब इसका रियर ब्रेक टेस्ट करूँगा, ओनली रियर ब्रेक, क्योंकि ज़्यादातर लोग यार रियर ब्रेक ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर वीवर्स या वायर्स, तो चलो पीछे कोई है नहीं, करते हैं टेस्ट। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर, अभी आपने देखा कितना अच्छे से कंट्रोल हुआ। अब करते हैं इसका ओनली फ्रंट ब्रेक चेक, तो चलो जी उसके लिए थोड़ा सा अच्छी स्पीड कैरी करते हैं, और आप लोगों को साउंड से भी पता लगने वाला है आज, थोड़ा ग्रेवल जैसे सिनेरियो में मैं चेक करने वाला हूँ। अभी ये ठीक नहीं है या नहीं है ये नहीं पता, बाप रे बाप भाई, स्टॉप ही हो रही थी, सुपर सुपर व्यास सुपर, मेरे पास शब्द नहीं है भाई, ऐसी ब्रेकिंग मैंने अभी तक किसी 160 सेगमेंट में नहीं देखी, क्लैपिन हो जाए भाई क्लैपिन, बहुत औसम, बहुत बढ़िया सुपर, चाहे उसका एग्जॉस्ट हो चाहे कुछ भी हो भाई, अमेजिंग यार अमेजिंग, दिल जीत लिया भाई। अभी इसका थोड़ा सा लीन टेस्ट भी लेता हूँ मैं, सुपर सुपर यार सुपर, ये क्या कर दिया है भाई साहब, देखो अभी लीन के चक्कर में रायता सा भी कर रहा था तो इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस कि जो भी चीज़ की जाए ना सेफ्टी के साथ की जाए, अभी स्पीड तो मैं ओवर कर सकता था, अब यहाँ थोड़ा सा ब्रेक चेक करते हैं, आहा सुपर डुपर सुपर डुपर, क्रेमिका का जो ब्रेक सेटअप है मुझे बायब्रे से सो फार सो गुड लगा, क्योंकि यार बायब्रे इतना एक्टिवली काम नहीं कर पाता है, पता नहीं क्यों, जबकि ब्रांड बहुत है, जिम्बो का ही सब ब्रांड है, बट पता नहीं इन्होंने क्या करा है इसके साथ में भाई, सुपर ऑर्गेनिक ब्रेक पैड के साथ में इतनी अच्छी क्वालिटी ये लोग दे रहे हैं ना भाई, मुश्किल था भाई और चीज़ों के लिए बोलना। अभी यहाँ पे एक गणपति का टेम्पल है, तो होप कि आप लोगों को दर्शन करा दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ गाइस हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी के जीवन खुशहालियों से भरे रहें, हमेशा सभी खुश रहें, सभी सुखी रहें, मस्त रहें, खाते पीते रहें, और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, हम भी उनके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहें। और आप लोगों का यार फिर से हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आप मेरे ब्लॉग्स को फिर से प्यार दे रहे हो, पसंद कर रहे हो भाई, ऐसे ही अपना एप्रिशिएशन बनाए रहो, क्योंकि लॉन्ग राइड आने वाली है आपके भाई की, और आप लोगों के लिए आने वाले हैं अच्छे अच्छे कमाल के ब्लॉग भैया गणपति जी की, कि यहाँ मेरे को डेली ये सौभाग्य प्राप्त कराते हैं दर्शन का, कल भी किए परसों भी किए, मतलब 1 वीक से तो कम्प्लीटली कर ही रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा फील होता है भाई, बहुत अच्छा। गणपति पापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाना, आशीर्वाद बनाना, रक्षा करना, जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ़ी देना, बाकी तो सब बढ़िया है गणपति पापा की कृपा से। अभी टेंपल ओपन ही ओपन हुआ है, तो मैं यहाँ पर जय हो गणपति पापा आशीर्वाद देना, आप सभी लोग भी कमेंट में लिख देना गणपति पापा मोरया। चलो जी गाइस यहाँ से निकलते हैं, एंड ये मीटर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है ये वाला, बहुत अच्छा। अभी इंजन ऑफ है ना, तो ये देखो ये इंजन ऑफ ही दिखाएगा, यहाँ रिफ्यूल का साइन आ रहा है और यहाँ इंजन ऑफ आ रहा है, जैसे ही मैं इंजन को किल स्विच ऑन करता हूँ एंड इंजन स्टार्ट हो गया। आइडलिंग जो RPM है इसका 1000 से भी थोड़ा नीचे जाता है, वो देखो 1000 पर रहता है, तो कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत सही है। चलो जी निकलते हैं, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। तो ये देखो इसका हाई बीम लो बीम काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सा, ये देखो अभी जितनी बार भी मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ ना, प्रीवियस वाली भी एंड
160 आई थी उससे भी बेमोर बेहतर है। स्टेबिलिटी के मामले में भाई साहब कोई जवाब नहीं है इसका। देखो इसके बाद में भी अगर मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ तो अभी ये देखो कितनी कम स्पीड पर भी ये स्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन दिखाता है पता, कोई नहीं बताने वाला ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसलिए भाई कहते हैं ना ब्लॉगर आकाश चतुर्वेदी को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों के लिए आपका भाई कुछ यूनिक यूनिक कंटेंट लाता रहेगा जो कि आप लोगों को भी एक न्यू मोटिवेशन देने वाले हैं, न्यू एक कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। और जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं बाइक मेंटेनेंस से रिलेटेड वो सारे डिस्क्रिप्शन में भाई जाके चेकआउट कर लेना। अच्छी क्वालिटी का हेलमेट चाहिए वो भी है, थोड़ा बजट फ्रेंडली हेलमेट चाहिए उसका भी लिंक है। तो सारे अथेंटिक और ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिंक मैंने दे दिए। एंड WD40 और वेस्ट चैन लुक भाई जा करके खरीद लो आज ही। अगर आप N160 या N150 या NS200 किसी के भी 400 के ओनर तो भाई इससे बेस्ट आपको डील नहीं मिलने वाली, अभी जा करके भाई बाय कर लो ठीक है। और मैंने तो इस गाड़ी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया से। अब बाकी मैं चलता हूँ शोरूम पर। इतना अच्छा फील होता है कि यार मैं मतलब कुछ कर पा रहा हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, अच्छा जो भी नया प्रोडक्ट आता है उसके बारे में बता पा रहा हूँ, अच्छे से सारी चीज़ें दिखा पा रहा हूँ। तो यार ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है ना, आप खुद देख रहे होगे कि आपका भाई आप लोगों के लिए चाहे जाड़े हों चाहे गर्मी भाई मेहनत में कभी कमी नहीं रखता है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा एप्रिसिएशन तो चाहता है। देखो ब्लॉग्स को शेयर करो, अपनी स्टोरी पे शेयर करो, जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि अगर मैं ग्रो करूँगा तो भाई आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा ही करूँगा। अब आते हैं इसकी इंटेंसिटी लाइट की बारी पे। अब ये देख लो ये है इसका हाई बीम सामने आपके सीधे, वो खड़ी है अपनी D400 और यहाँ से सारे मैकेनिक्स जा चुके हैं। ये रही भाई कूलर में ठंडक के मज़े ले रही थी ये। अब इसकी बात करते हैं प्राइसिंग वगैरह की, बाकी हाई बीम सुपर्ब है। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं शोरूम पर और ये है अपने साथ में बजाज की पल्सर N160 USD फोक वाली। तो भाई से हम लोग पूछेंगे सबसे पहले आपका गुड नेम बताइए हमारी ऑडियंस। मेरा नाम है सर रुद्र। रुद्र, अच्छा रुद्र मैं ये जानना चाहूँगा जो अपनी प्रीवियस वाली N160 थी और ये वाली, इसमें क्या चेंजेस कंपनी ने कर दिए मेन में? इसमें सर अपने 3 मोड्स बढ़ गए हैं। उधर बताइए हमारी ऑडियंस को। इसमें अपने 3 मोड्स बढ़ गए हैं। ओके थोड़ा तेज बोलिए। अपना ये टेलीस्कोपिक था पहले, अब USD फोक हो गया। ओके जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया ये चीज़, अच्छा इसको कंपनी ने चेंज किया है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के पास, जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल उसमें नेविगेशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है एंड ड्यूल चैनल ये भी इसके साथ एज वेल आता था। अपसाइड डाउन से क्या होता है आपकी रिजिडिटी और आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव होती है। तो इसके लिए क्या प्राइस कंपनी ने हम लोगों से एक्स्ट्रा पे आउट किया है, हमें एक्स्ट्रा देना है? नहीं अगर पुरानी और नई के कंपैरिजन पहले बताओ। 6-7 हज़ार का डिफरेंस आया है। 6-7 हज़ार में गाइस आपको न्यू स्क्रीन मिल रही है जो कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, साथ में आपको अपसाइड डाउन फोर्क मिल गया, इसके साथ में आपको जो टायर साइज है वो तो इक्वली सेम ही मिल रहा है और बाकी सारा कुछ सेम LED इंडिकेटर एंड जो इंडिकेटर्स थे यहाँ बॉल्ब वाले आते थे ये, और उसके कंपैरिजन की अगर बात करें तो वो कुछ 250 का था, ये 780 रुपये का सिंगल इंडिकेटर है गाइस। तो यहाँ क्वालिटी प्रीमियम की गई है उस चीज़ का आपसे कंपनी ने चार्जेस पे आउट करा रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है 5-6K के आसपास हैं। और अभी रुद्र हमें बताएंगे कि इसका ऑन रोड प्राइस कितना है उस चीज़ के बारे में, एंड ऑन रोड प्राइस के बाद में हम लोग बात करेंगे कितना आप लोग मिनिमम डाउन पेमेंट करके इसको लेके जा सकते हैं, क्या आपका EMI स्लॉट रहेगा बताइए। एक्स शोरूम प्राइस सर अपना आता है 1,40,819 रुपये। ओके इंश्योरेंस है अपना 11,847 रुपये, RTO है अपना 15,282 रुपये, ऑन रोड आते आते अपनी गाड़ी पड़ जाएगी 1,70,236 रुपये। 1,70,000 मतलब 1,70,000 पकड़ लेते हैं मोटा मोटा, तो 1,70,000 रुपये में आप इस गाड़ी को ले जा सकते हैं। अच्छा कोई अगर डाउन पेमेंट करके इस गाड़ी को ले जाना चाहे जो कि एक छोटा मोटा बंदा है, कोई भी बड़ा बंदा है जॉब वाला होता है जो कि सोचते हैं यार EMI पे ले लें, तो क्या पड़ने वाला है उसको? सर 35-40K मतलब आप 35-40 हज़ार रुपये दे करके गाइस आप इस बाइक को ले जा सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है अपने यहाँ? सर अपना 10-11 रहेगा। और गाइस अगर आपका सिविल स्कोर और अच्छा होता है ना तो और आपको अच्छी डील मिल सकती है। एंड EMI के स्लॉट्स मैक्सिमम और मिनिमम कितना रहता है? अपना बजाज 95% तक की फंडिंग करता है। ओके तो अब मैक्स टू मैक्स कितने मंथ तक के लिए हो सकती है EMI? सर 42 मंथ्स और मिनिमम 12 मंथ। मिनिमम 12 मंथ्स। तो गाइस मैं बताऊंगा 18 मंथ से लेकर के आप 36 मंथ तक के बीच कोई स्लॉट रखते तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है कंपेयर टू अदर EMIs के लिए, क्योंकि भाई उसमें आपका ज़्यादा वो नहीं जाता ब्याज वगैरह जो भी होता है। तो ये इस गाड़ी के बारे में हम लोगों ने आपको डिटेल में ब्लॉग दिखाया जिसके अंदर हमने आपको राइड रिव्यू दिया, इसके सारे फीचर्स बताए, इथन ऑयल कंप्लाइन है 10% आप डाल सकते हो, प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ में आती है, न्यू इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, ब्रेकिंग वगैरह सारा कुछ दिखाया। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। और ब्लॉग के साथ में एक चीज़ और बता दूं गाइस, अभी जो इस पल्सर के अंदर में जो है ये बॉडी पैनल हैं ये चेंज हो गए हैं, यहाँ पे जो पैनल गैप्स हल्के हल्के पहले लगते थे वो बिल्कुल कंपनी ने खत्म कर दिए, वाइब्रेशन तो इस गाड़ी में शुरू से नहीं था और अभी और अच्छा रिफाइनमेंट है। अगर हम फुल रैप भी करते हैं खड़ी गाड़ी पर तब भी किसी बॉडी
से ऐसा नहीं है कोई साउंड आ रहा है झंझनाने का कुछ, जैसे और कभी कभी पहले आया करता था, किसी ब्रांड का मैं नाम नहीं लूँगा, बट अभी बजाज ने बहुत कुछ इम्प्रूव कर दिया है। फिट एंड फिनिश चाहे लाइट हो, जैसे और गाड़ियों में आप ये चीज़ देखोगे ये हिलती है कई जगह पर, यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है। बहुत मतलब अप टू मार्केट छोटी छोटी चीज़ों पर है ना बहुत अच्छी से इनकी पकड़ अब बन चुकी है काफ़ी अच्छा। और आज है 2 मई, तो कल 3 मई को हमारी NS 400 आ रही है, तो उसके लिए आप वेट करिएगा भाई। सबसे पहला आगरा में आपका भाई आपको ब्लॉग देगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी रुद्र अपना नंबर बोल दो यार, कोई अगर आपसे प्रोडक्ट लेना चाहे, मतलब पहले तो आप ये बताओ अपने यहाँ कितनी बाइक्स हैं या आज अपनी ऑडियंस को बता दो। अपने पास सर लो बजट से लेकर हाई, मतलब चाहे आप 100 cc लेना चाहे आप 400 cc, सारे बाइक रुद्र आपको देने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रुद्र अपना नंबर बोल दो। मेरा नंबर है 6399970333। और अगर आप सर के चैनल के थ्रू आते हो हाँ, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मैं दूंगा। डिस्काउंट मिलने वाला है, डिस्काउंट नहीं भी मिलेगा तो गाइज हेलमेट का मैं अश्योरिटी दे रहा हूँ, नहीं मिले तो डीएम कर देना, वो मैं दिलवा दूंगा सर, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है ना, डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर्विस में भी मैं आप लोगों को प्रायोरिटी दिलवा दूंगा, जैसे कि आप अगर कहीं दूर से बाहर से शहर से आ रहे हो तो जल्दी आपकी सर्विस वगैरह हो, अच्छे से आपको प्रायोरिटी मिले। बाइक लेने से पहले हमेशा ऑलवेज मैं आपसे बोलता हूँ हाथ जोड़ करके, एक बार टेस्ट राइड कर लीजिए, उसके बाद में क्योंकि मेरा अपना मानना है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। क्योंकि वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसका भाई टेस्ट बजाज है तो बजाज ही लेगा, जिसका हीरो है वो हीरो लेगा। बट फिर भी अगर आप किसी अदर ब्रांड से आ रहे हैं कंपेयर करने, तो गाइज एक बार आप लेटेस्ट अपना ब्रांड जो कि N160, N250 एंड NS 400 जो अब आ रही है, और NS 200 आ चुकी है जिसका 200 cc सेगमेंट में भाई ताबड़तोड़ बाइक है N250 एंड NS। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट राइडर हो, लॉन्ग राइडर हो, तो आप NS ले सकते हो। आप कम्यूटिंग राइडर हो और थोड़ा सा थ्रिलिंग चाहिए, फन चाहिए, तो आप N250 एंड N160 पे कंसीडर कर सकते हो। हालांकि टूरिंग इनसे भी कर सकते हो, बट उस गाड़ी में 6 गियर होते हैं, इसलिए उससे ज़्यादा लंबी आप टूरिंग कर सकते हो। लिक्विड कूल होती है, थोड़ी सी कॉस्टिंग उसकी NS की शायद मेरे ख्याल में 2 लाख से ऊपर जाती है, तो बाकी तो भाई आप लोगों के ऊपर है। बाकी अभी के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला अपना होलसेल प्रोडक्ट है, क्योंकि MT का कंपिटिटर है, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा क्या करना है भाई, लाइक कर देना इस चैनल पे, इस ब्लॉग के थ्रू आए हो भाई सब्सक्राइब कर देना। एक ब्रदर और है हमारे साथ, कम हेयर, तो ये जो ब्रो हैं गाइज, आज भाई ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, तो भाई से हम सबसे पहले नाम पूछते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम हर्षित कश्यप है हाँ, और यहाँ पे मैं कमांड एरिया मैनेजर की पोस्ट पर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी आपको डिस्काउंटेड मिल जाएगा अगर चैनल सब्सक्राइब करके आते हो, स्टोरी पे भाई फॉरवर्ड जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी से अच्छी वीडियो, राइड सेफ और राइड हमेशा भाई, हेलमेट लगा के रहो, बाय बाय।